इस वीडियो में अब हम फ्लेम सेंसर के साथ खेलेंगे फ्लेम सेंसर मतलब जो कोई फायर या आग को डिटेक्ट करता हो पिछली वीडियोस में हमने आईआर सेंसर के बारे में सीखा हमें मालूम है कि आईआर सेंसर का ट्रांसमिटर होता है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को भेजता है एंड रिसीवर भी होता है जो एक्सेप्ट करता है उन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को उसी तरीके से फ्लेम सेंसर के पास भी एक रिसीवर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पर्टिकुलर वेव को रिसीव करता है इनका वेवलेंथ का रेंज 760 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर के बीच होता है आप इस पिक्चर को देख सकते हो कि विजिबल लाइट के बाद एंड आईआर रेडिएशन के स्टार्टिंग की रेंज होती है जो ये फ्लेम सेंसर डिटेक्ट करता है इस सेंसर की सबसे खास बात यह है कि ये डस्ट ऑइल वाटर वेपर या आइस के टुकड़े के बीच में रखोगे तब भी ये फ्लेम सेंसर डिटेक्ट कर लेता है आग को या फ्लेम्स को यह फ्लेम सेंसर कुछ ऐसा दिखता है इसके तीन पिंस होते हैं पहला VCC जिसमें आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं यह हमेशा याद रखना कि वीसीसी मतलब कोई भी सेंसर में अगर वीसीसी हो तो उसका मतलब होता है कि आपको उस पिन में पर्टिकुलर पिन में वोल्टेज का सप्लाई देना है ठीक है के साथ हम इस आर, इस फ्लेम सेंसर के वीसीसी पिन पेन को हम आर्डिनो के फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे अगला है ग्राउंड इस पिन को हम आर्डिनो के कोई भी ग्राउंड के पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगला है आउटपुट पिन इसको हम आर्डिनो के कोई भी पिन के साथ लगा देते हैं या तो डिजिटल पिन या तो एनालॉग पिन अगले वीडियो में हम इसको कनेक्ट करना सीखेंगे कि इन तीनों पिन को कैसे हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं इसका एप्लीकेशन देखते हैं अब ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल एंड मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ताकि अगर आग लग जाए तो डिटेक्ट हो जाए देन प्रिंटिंग स्प्रे बूथ टनल जनरेटर स्टोरेज टैंक में भी यूज किया जाता है इन फ्लेम सेंसर को उसी तरीके से इंजन टेस्ट फैसिलिटीज एंड इंजन टेस्ट रूम में भी फ्लेम सेंसर का उपयोग किया जाता है तो चलो अब अगले वीडियो में आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके देखेंगे एंड कोडिंग करेंगे कि ये कैसे काम करता है